देखो गाइज, नेक्स्ट पार्ट फॉर ब्रांच, अगला पार्ट ब्रांच का, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे पिछला, वो था हमारा, जो भी क्वेश्चंस थे वो थे हमारे डेटर मेथड के। अभी मैं कराने जा रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन स्टॉक एंड डेटर मेथड से, ठीक है। स्टॉक एंड डेटर मेथड से एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्या है, इंद्रानी लिमिटेड विद हेडक्वार्टर्स ऑफ मुंबई मेंटेन अ ब्रांच एट गोवा, मेंटेन अ ब्रांच एट गोवा, गुड्स आर इनवॉइस एट कोस्ट प्लस 25%, गुड्स आर इनवॉइस एट कोस्ट प्लस 25% इन रिस्पेक्ट ऑफ गोवा ब्रांच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या है, पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च, मेड 31 मार्च आर मेड अवेलेबल टू यू, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब कैसे सॉल्व करना है, देखो पर्टिकुलर्स दिए हैं आपको कुछ, गुड सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, गुड सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। कितने के गुड्स हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच 675 के, गुड्स रिटर्न दे रखे हैं 24, कैश सेल्स दी है 185, डिस्काउंट अलाउड अमाउंट रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर्स चेक ऑफ कस्टमर विच गट डिसऑनर्ड, ब्रांच एक्सपेंसेस मेट इन कैश, सेल्स रिटर्न ऑफ गोवा ब्रांच, बैड डेट्स, इतनी चीजें दी हैं। फिर नीचे देखो पर्टिकुलर्स दे रखे हैं कुछ, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, आपको क्या बनाना है, डेटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, एडजस्टमेंट एंड पीएनएल। जब भी स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम बोलेगा तो चार अकाउंट तो जनरली बनेंगे ही बनेंगे आपके, स्टॉक अकाउंट बनेगा आपका एक, ठीक है, डेटर अकाउंट बनेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड ब्रांच पीएनएल, ठीक है। अब करते हैं, सबसे पहले देखो नीचे बॉक्स में से उठाओ, सबसे पहले डेटर का बैलेंस दिया है, कितना दिया है 105, इसको पुट कर देता हूँ मैं डेटर्स में, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है ना, अच्छा ईयर एंड का बैलेंस है, बिगनिंग का बैलेंस कितना है डेटर का 50, तो ब्रांच के डेटर्स का बैलेंस कितना है यहाँ डाल देते हैं, टू बैलेंस बीडी 50,000, और बैलेंस सीडी कितना है, डेटर्स का बैलेंस सीडी कितना है 105, 1,05,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद स्टॉक का भी देख लो, स्टॉक का है ओपनिंग 1,50,000, टू बैलेंस बीडी 1,50,000, और बैलेंस सीडी कितना है 2,36,000, ये चीजें हमें मिल गई, ओपनिंग और क्लोजिंग मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आएगा, फॉर्मेट लिख लिया था हमने, गुड्स सेंट, गुड्स सेंट, या फिर कोई कस्टमर रिटर्न कर दे, सेल्स रिटर्न, तो ब्रांच डेटर अकाउंट, और यहां पर ये एंट्री किस नाम से हो जाएगी, सेल्स रिटर्न के नाम से हो जाएगी, ठीक है। और क्या क्या आता है स्टॉक अकाउंट में, बाई कैश सेल्स, बाई क्रेडिट सेल, ये सारी चीजें आती हैं, यहां पर भी आएगा क्रेडिट सेल, ठीक है ना, क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ जाता है। देखो और क्या क्या चीजें, गुड्स एंड कितना दिया हुआ है 6,75,000, गुड्स एंड कितना दिया है 6,75,000, गुड्स रिटर्न भी देख लो कितना है, फिर 10,000 रुपये का गुड्स रिटर्न हुआ था, सेल्स रिटर्न कितने की हुई थी 10,000 रुपए की, कैश सेल्स चेक करो, कैश सेल्स कितनी है 185, क्रेडिट सेल तो कहीं नहीं दी थी, डेटर से कलेक्शन कितना मिला था बाई कैश, ये बताया होगा, देखो डेटर का कलेक्शन कितना था 3,25,000, 3,25,000 रुपए हमें डेटर से मिल गए थे, ठीक है। और कुछ है डेटर्स के लिए, बैड डेट्स 5,500 रुपए का, बैड डेट्स कितना है 5,500, डिस्काउंट अलाउड होगा एक, देखो जो डेटर्स वाली चीजें हम वो डाल देते हैं और क्रेडिट सेल निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड कितने का है 2,500 का, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारी, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, डेटर आ जाएगा, फोर लैख 48,000, 448,000 माइनस 50, 398, कितना आ गया 398, क्रेडिट सेल आप यहां पे डाल दो 398, और देखो ठीक है। अच्छा एक एंट्री और है चेक डिसऑनर्ड की,
चेक डिसऑनर्ड की एंट्री है तो वो भी यहीं डलेगी, चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड होने से क्या होगा, डेटर बढ़ जाएंगे। कितने का, 8,000 का, तो ये कितना हो जाएगा, 390। ओके, ये कितना हो जाएगा, 390। चेक डिसऑनर्ड होने से क्या होता है, देखो डेटर से जब चेक लोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, अगर वो डिसऑनर्ड हो जाए तो रिवर्स क्या करना है, डेटर्स को बढ़ा लेना है। ठीक है, टोटलिंग कर लेते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। गुड्स रिटर्न वगैरह भी है क्या, चेक करो गुड्स रिटर्न वगैरह। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच सेकेंड एंट्री कितने का, 24,000 का, 24,000 का बाई गुड्स सेंट, 24। टोटलिंग कर लेते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, 156,75 और 10,000, 835 आ रहा है इसका टोटल, 8,35,000। ठीक है, 185,000, 3,90,000 और 24,000, 599। अच्छा सॉरी, 185, 390, 24 और 236, 835। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, स्टॉक अकाउंट और डेटर अकाउंट बनाने के बाद हमें क्या करना है। स्टॉक अकाउंट और डेटर अकाउंट तो बना लिया, अब सिंपल फॉर्मेट क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच पीएनएल। कितने परसेंट था प्रॉफिट, कोस्ट प्लस 25%, 1/4 ऑफ कोस्ट, 1/4 ऑफ कोस्ट, तो 1/5 ऑन सेल हो जाएगा। नोट निकालो इसका, स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व 1, 2, 3 एंड 4 बस। ठीक है, जैसे पहले निकालते थे ब्रांच अकाउंट में वैसे यहां निकाल लेंगे। स्टॉक रिजर्व 20,000, गुड सेंड का निकालो लोड, कितना आ जाएगा इसका लोड, 675 का लोड निकालो, डिवाइडेड बाय 5, 135। गुड्स एंड का निकालो 24,000 का, 4,800। क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व निकालो, स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व 236 डिवाइडेड बाई 5, 47,200। ठीक है, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कर लो 165, 165 माइनस कर दो इसमें से, 165 माइनस 47,200 माइनस 4,800, 11,300। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे डालना है पीएनएल में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, सिंपल पीएनएल जैसे बनाते थे आप, 1,13,000 हो गया ये, 11,300। बाकी खर्चे क्या क्या थे वो बता दो, एक्सपेंसेस कितने दिए थे, 72,500 दिया है ना एक्सपेंसेस, 72,500 टू ब्रांच एक्सपेंस, और यहां से कोई खर्चा, बैड डेट्स है एक, तो बैड डेट कितने का है, 5,500 का, डिस्काउंट अलाउड भी है, डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट अलाउड 2,500। बैलेंसिंग फिगर विल बी नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट टोटल कर लेते हैं, 1,13,000 माइनस 72,500 माइनस 5,500 माइनस 2,500, 32,500 का प्रॉफिट आ जाएगा आपका, 32,500 का क्या आपका नेट प्रॉफिट। यहां तक आपको काम करना है, ठीक है। आज देखते हैं ब्रांच की, ब्रांच का अगला पार्ट जनरल एंट्री का, ठीक है, ब्रांच का अगला पार्ट क्या, जनरल एंट्री का। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पिछली बार भी हमने क्वेश्चन करे थे, आज भी क्वेश्चन करते हैं जनरल एंट्री के, ब्रांच के, ठीक है। देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी आप जनरल एंट्री करोगे या कोई ट्रांजेक्शन करोगे हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में, तो क्या मानना है, दोनों सेपरेट है, दोनों क्या है, सेपरेट है, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, देखो, कृष्णा लिमिटेड हैज अ ब्रांच दैट क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31st March। दिस इज इंडिपेंडेंट ब्रांच विच मेंटेन कंप्रेहेंसिव बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग दियर ट्रांजेक्शन, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच, आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है। पहली जनरल एंट्री देखो क्या है,
हेड ऑफिस एलोकेट 135 टू द ब्रांच। हेलो हेड ऑफिस ने क्या करा, कोई खर्चा एलोकेट कर दिया 1,35,000 का, किस पे, ब्रांच पे, ठीक है। अब ब्रांच इसकी जनरल एंट्री कैसे करेगा ये आपको करना है, ठीक है। सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स एसेट्स व्हिच अकाउंट आर कैप्ड बाय हेड ऑफिस। एसेट्स किसके पास है, ब्रांच के, यूज कौन कर रहा है, ब्रांच, लेकिन अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस वाला, अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस वाला, ठीक है। तो इसकी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन की। थर्ड, ब्रांच पेड रुपीज 1,40,000 एज सैलरी टू एन ऑफिसर फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन विजिट टू ब्रांच एंड डेबिटेड टू अमाउंट टू इट सैलरी। क्या करा, ब्रांच ने खर्चा पे करा, ब्रांच ने जो एक्सपेंस पे करा उस एक्सपेंस को सैलरी में डाल दिया, बट सैलरी किसको दी थी, हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, देखते हैं अभी एंट्री कैसे होगी इसकी। अगला देखो, हेड ऑफिस कलेक्ट 1,30,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ ब्रांच कस्टमर। हेड ऑफिस के पास डायरेक्टली पैसे आ गए कहां से, ब्रांच के कस्टमर से, उसकी जनरल एंट्री आपको कैसे करनी है। फिर अगला, इट इज लर्न दैट रेमिटेंस 1,50,000 रुपए का हमने पैसा भेजा, किसको भेजा, हेड ऑफिस को, सेंड बाय द ब्रांच, नॉट रिसीव बाय हेड ऑफिस, अभी हेड ऑफिस को नहीं मिला। देखो क्या होता है, हेड ऑफिस ने अगर कोई माल भेजा किसको, ब्रांच को, अगर ब्रांच ने वो रिसीव नहीं करा तो ब्रांच एंट्री करेगा, ठीक है। अभी ब्रांच ने पैसे भेजे किसको, हेड ऑफिस को, अगर हेड ऑफिस रिसीव कर लेगा तब भी एंट्री कौन करेगा, हेड ऑफिस, रिसीव नहीं करते तो कैश इन ट्रांजिट की एंट्री भी कहां पर होगी, हेड ऑफिस में होगी। इन्होंने तो सेंड करने की एंट्री पहले ही कर दी होगी, ठीक है, नॉट रिसीव की एंट्री भी कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। अगला देखते हैं, छठा, द ब्रांच इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 30,000 ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ब्रांच, ठीक है। 30,000 रुपए का खर्चा हो रहा है, कितने का खर्चा हो रहा है, 30,000 रुपए का हमने अनदर ब्रांच के ऊपर क्या करा, एक्सपेंस करा, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी है। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, बुक ऑफ ब्रांच, फर्स्ट जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री नंबर वन, हेड ऑफिस ने एलोकेट करे एक्सपेंस कितने के, 1,35,000 के, एक्सपेंस डेबिट टू हेड ऑफिस कितने, 1,35,000। न्याय समझ में, देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसको समझाओ, ये एंट्री होगी, दो पार्टी आपके पास, हेड ऑफिस एंड ब्रांच, राइट, कोई खर्चा यहां पर होगा तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, राइट। इसमें से मैंने कहा आपको, जैसे 10,000 रुपए खर्च हुए, इसमें से 2,000 का खर्चा मैंने ब्रांच के लिए किया है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा यहां पर, ब्रांच डेबिट टू एक्सपेंस, राइट, ब्रांच को डेबिट कर देंगे। अब ब्रांच को एक्सपेंस मिला कितने का, 2,000 का, किसने पे करा, हेड ऑफिस ने, हमने नहीं करा खुद, किसने पे करा, हेड ऑफिस ने, यही एंट्री करी हमने, एक्सपेंस डेबिट टू हेड ऑफिस। सेकंड एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन लगाना है सेम ऐसे ही, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू हेड ऑफिस, सेम यही ट्रीटमेंट होगा, डेप्रिसिएशन कितने का, 1,15,000 का। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, थर्ड, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, ब्रांच ने पे करे 1,40,000 सैलरी, किसका, ऑफिसर था, हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस से कोई एम्प्लॉय आया और ब्रांच पे कुछ विजिट करने आया था, हमने उसको सैलरी दी है, ठीक है, ब्रांच ने सैलरी पे करी, सेम ऐसे ही जैसे इन्होंने एक्सपेंस पे करा था किसका, ब्रांच का, अब ब्रांच ने एक्सपेंस पे करा है किसका, हेड ऑफिस का, लेकिन ब्रांच से गलती क्या हुई, इन्होंने अपने सैलरीज को डेबिट कर लिया, तो अब ये क्या एंट्री करेंगे, हेड ऑफिस डेबिट टू सैलरी, अपने सैलरी को रिवर्स कर लो, रेक्टिफाई कर लो, हेड ऑफिस डेबिट टू सैलरी, कितने रुपए है, हेड ऑफिस डेबिट टू सैलरी 1,40,000 का है सैलरी अमाउंट, 1,40,000, ओके। फोर्थ एंट्री पे आते हैं, फोर्थ एंट्री में हेड ऑफिस ने डायरेक्ट कलेक्ट करा पैसा, तो कलेक्शन जब यहां पर आती है तो एंट्री होती है कैश डेबिट, बट कस्टमर तो इनके नहीं थे, इन्होंने किसको डेबिट करा होगा, ब्रांच को, सॉरी क्रेडिट ब्रांच, यहां पर अगर डेटर से पैसा आता तो क्या एंट्री करते, बैंक डेबिट टू डेटर्स, अब डेटर से पैसा यहां नहीं आया, डेटर्स तो कम हो गए बट पैसा यहां नहीं आया, पैसा कहां पर गया, हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस डेबिट टू डेटर्स, आ गया समझ में, सिंपल एंट्री, हेड ऑफिस डेबिट टू डेटर्स 1,30,000। फिफ्थ एंट्री पे आते हैं, क्या लिखा है, एक रेमिटेंस है, रेमिटेंस कितने की करी, 1,50,000 की, सेंट बाय द ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव बाय हेड ऑफिस टिल डेट,
हेड ऑफिस टेल डेट, तो इसकी एंट्री हेड ऑफिस करेगा, एंट्री मेड बाय हेड ऑफिस, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, नो एंट्री इन द ब्रांच, एंट्री पास बाय ओनली हेड ऑफिस, ठीक है। सिक्स एंट्री पे आते हैं, देखो क्या लिखा है, द ब्रांच इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ ₹30,000 ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ब्रांच, हमारी ब्रांच ने किसी और ब्रांच के लिए खर्चा करा, तो सेम ये एंट्री हो जाएगी, देखो हमने पे कर दिया तो एचओ डेबिट, एचओ को डेबिट करोगे, अदर ब्रांच को डेबिट नहीं करोगे टू कैश, हम हेड ऑफिस को बीच में लाएंगे, यहाँ पर कितने रुपए का खर्चा था, 30,000 का, ठीक है, तो हेड ऑफिस को डेबिट कर दो टू कैश, हमें तो एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने खर्चा किसी और का पे करा है, ठीक है, हेड ऑफिस डेबिट टू कैश। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, एक क्वेश्चन और, सेकंड क्वेश्चन पहले रीड करो फटाफट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ कंपनी व्हेन एवर वेयर एवर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग, ठीक है। पहली एंट्री देखो, इनकम है 2800 की, एलोकेट टू द ब्रांच बाई हेड ऑफिस, एलोकेट टू द ब्रांच बाई हेड ऑफिस, कोई इनकम हेड ऑफिस में थी जो एलोकेट कर दी हेड ऑफिस ने, किसको, ब्रांच को, कितने की, 2800 की। सेकंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट व्हिच अकाउंट आर केप्ट बाय हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइड अर्लियर फॉर ₹1,000, पहले नहीं प्रोवाइड करा था, ठीक ठीक है, 1000 की एंट्री कर देंगे, क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, पीएनएल डेबिट टू एचओ। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड एंट्रीज में क्या है हमारे पास, ब्रांच पेड ₹3,000 एज सैलरी टू एचओ मैनेजर बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरी अकाउंट, ठीक है, सिंपल सा है, 3000 किया एक्सपेंस, फिर अब ब्रांच इनकर्ड ट्रैवलिंग एक्सपेंस 5000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांच, सेम वैसी एंट्री है जैसे पिछले क्वेश्चन में देखी थी। नेक्स्ट, अ रेमिटेंस 1,50,000 सेट बाय ब्रांच हैड नॉट रिसीव बाय हेड ऑफिस, इसकी एंट्री हेड ऑफिस करेगा, हमें तो बुक्स किसकी बनानी है, ब्रांच की, तो ब्रांच की बुक्स में ये वाली एंट्री नहीं होगी, जिसके लिए भी ट्रांजिट होगा वही एंट्री करेगा, ब्रांच ने पैसा भेजा तो भेजने की एंट्री कर दी, अब हेड ऑफिस को मिल जाएगा तो रिसीव करने की एंट्री करेगा, नहीं मिलेगा तो अमाउंट इन ट्रांजिट की एंट्री कर लेगा हेड ऑफिस, ब्रांच में एंट्री नहीं होगी। अगला देखते हैं, ठीक है, तो फिफ्थ एंट्री हम नहीं करेंगे, उससे अगला देखो आप, नेक्स्ट क्या है, हेड ऑफिस ने एलोकेट करे कितने रुपए, 75,000 टू द ब्रांच एज हेड ऑफिस एक्सपेंस, कितने का, हेड ऑफिस एक्सपेंस 75,000 का, नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। नेक्स्ट देखते हैं, हेड ऑफिस कलेक्टेड 30,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ ब्रांच कस्टमर, डायरेक्टली फ्रॉम अ ब्रांच कस्टमर, ब्रांच के कस्टमर से डायरेक्ट रिसीव कर लिया, ठीक है, द इंटीमेशन ऑफ द फैक्ट हैज रिसीव बाय ब्रांच ओनली नाउ, ठीक है। देखो पहली एंट्री देखो अब सॉल्यूशन, In the books of branch, in the books of branch, first entry, क्या था, income allocate करनी है, income हमें कहां से मिल रही है, head office से, तो HO debit to income, income always credit, 2800 की, ठीक है, head office से, second entry, सेकेंड एंट्री थी एक प्रोविजन की एंट्री, बताया था मैंने आपको सिंपल, ब्रांच पीएनएल डेबिट कितने रुपए है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट कितने का है, 1000 का, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, हेड ऑफिस आ जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ, ठीक है। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में है हमारे पास, ब्रांच ने पे करे 3000 किसके एम्प्लॉय को, हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को, तो क्या एंट्री होगी, देखो अभी समझाया था मैंने, एचओ और ब्रांच, ये अगर सैलरी अपने एम्प्लॉय को देंगे तो क्या लिखेंगे, सैलरी डेबिट टू कैश, लेकिन इन्होंने क्या करा, जब हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को सैलरी दिया तब भी यही एंट्री कर दी, सैलरी डेबिट टू कैश, तो अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एचओ डेबिट टू सैलरी रेक्टिफाई, ठीक है, तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी, एचओ डेबिट टू सैलरी 3000 रुपीज, एचओ डेबिट टू सैलरी 3000 था। अगला देखो अब, फोर्थ एंट्री में लिखा है, ब्रांच इनकर ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ब्रांच, ये है ना, ब्रांच इनकर ट्रैवलिंग एक्सपेंस 5000 ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ब्रांच,
बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। चलो इसकी एंट्री भी कर देते हैं। बताओ क्या एंट्री करेंगे? एच ओ डेबिट टू कैश, सेम वही एंट्री। हेड ऑफिस को डेबिट कर दोगे आप बीच में, ठीक है, इसको डेबिट कर दोगे एच ओ डेबिट टू कैश। कितने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस? 5000 का, ठीक है। देखो जी अब नेक्स्ट, अगली एंट्री हमारी किस चीज की है? रेमिटेंस। रेमिटेंस की एंट्री मैंने आपको पहले ही मना कर दी, 1,50,000 की एंट्री नहीं होगी। उससे अगला देखो, सिक्स्थ एंट्री। सिक्स एंट्री में लिखा हुआ है आर हेड ऑफिस एलोकेट 75,000 टू द ब्रांच एज ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस हेड ऑफिस ने एलोकेट करे, हमें खर्चे मिल रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी? एक्सपेंसेस डेबिट टू एचओ। कितने के? 75,000 के, ठीक है, 75,000 के। सिक्स्थ एंट्री। अगला हेड ऑफिस कलेक्टेड 30,000। हेड ऑफिस ने कलेक्ट करा कितने रुपए? 30,000 डायरेक्टली हेड ऑफिस के पास डायरेक्ट पैसे आ गए। तो हमारे पास ब्रांच क्या एंट्री करेगा इसकी? ब्रांच के पास पैसे आते तो क्या एंट्री होती? कैश डेबिट टू डेटर्स। अभी पैसे नहीं आए हमारे पास तो क्या होगा? हेड ऑफिस कलेक्शन किसने करी है? हेड ऑफिस ने। एच ओ डेबिट टू डेटर कितने रुपए था? 30,000। जो भी है ये एंट्री हो जाएगी 30,000 रुपए की, ठीक है। और एंट्री, लास्ट एंट्री, गुड डिस्पैच बाय द हेड ऑफिस, गुड्स डिस्पैच बाय द हेड ऑफिस अमाउंट टू ₹10,000 बट नॉट रिसीव बाय द ब्रांच टिल डेट ऑफ रिकंसिलेशन, ठीक है। देखो हेड ऑफिस ने माल दिया किसको? अपनी ब्रांच को। हेड ऑफिस ने माल भेज दिया तो हेड ऑफिस ने क्या एंट्री करी होगी? एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट। ब्रांच क्या एंट्री करेगा जब इसको गुड्स रिसीव होंगे? तो गुड्स रिसीव डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है। लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ तो क्या एंट्री करेंगे हम? गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट। गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट कहां से आ रहे हैं? गुड्स हेड ऑफिस से। कितने रुपए के गुड्स हैं बताओ? 10,000 रुपए के गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस, 10,000 रुपए के। ये क्वेश्चन हो गए डन।